तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। इतना सब हो गया, मेरी सारे जेवरात लूट गए और तुम कुछ भी नहीं कर सके। देखो जो मुझसे हो सकता था मैंने किया ना, और क्या करता मैं? करती मेरी, तुम्हारी बात मानकर मुझे वो जेवरात लॉकर से निकालने ही नहीं चाहिए थे। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ये हादसा होने वाला है तो मैं पागल था जो तुम्हें कहता बैंक से जेवर निकाल के घर में रखो। अब जो होना था वो तो हो गया, अल्लाह ने चाहा तो किसी तरह ये तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा। बस कल ही जाता हूँ एम्बेसी और तुम्हारे कागजात बनवाता हूँ, फिर हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। देखना माँ की जिंदगी कितनी पुरसुकून होगी, और तुम्हारे लिए ऐसे जेवर बनाऊंगा कि तुम ये जेवर भूल जाओ। खाक लेकर दो, शादी पर एक हल्की सी अंगूठी पहनाई थी तुमने मुझे। उसके बाद कुछ लेकर दिया? वहां जाकर क्या ले दोगे? तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस बाहर ही है। देखो मेरी बात सुनो, ये तो कोरोना बीच में आ गया जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सका, वरना तो कब का निकल चुका होता। लेकिन अब हम साथ जाएंगे। जैसे ही फ्लाइट ओपन होगी वैसे ही हम बाहर निकल जाएंगे। वीजा लग जाएगा मेरा? क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। अच्छा रोना धोना बंद करो, ये तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाकर लाया हूँ अपने हाथों से। अभी मेरा दिल नहीं है चाय का। चलो पी लो ना, ये शाबाश। अरे वाह माँ, दिखा बड़ा जेवर संभाल कर रखा है तुमने। हाँ मुझे तो भनक नहीं लगने दी तूने। इधर देख, खेलने का सामान नहीं है, सारी जिंदगी की जमा पूंजी है तेरे लिए छुपा के रखी गई, कब्र में थोड़ी लेकर जाऊंगी। बड़ी कोई खजाना छुपा के रखा है, ये चांदी का एक मामूली सहार और दो कंगन, ये देगी तू मुझे जहेज में? बाका शुक्र अदा कर, ये अच्छे वक्तों में मैंने बना लिए। आजकल के दौर सोने का छल्ला बनाना इतना मुश्किल है, अमीर अमीर लोग अपनी बेटियों को पीतल की चीजें चढ़ा रहे हैं। सोने की कीमतों का पता है? आसमानों को छू रही है। सोना तो सोचे भी ना बनता। शुक्र करो ये तुम्हारे अब्बा ने मुझे तोहफा दिया था, मैंने संभाल के तब से रखा हुआ, और ये अपनी ये शादी का एक छोटा सा सेट है, ये भी तुझे चढ़ाऊंगा।